अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक। आज हम स्पेनिश आमलेट लेकर आए हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा स्वीट मीठा होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा देसी तड़का लगाऊंगी ताकि ये आपको ज़्यादा पसंद आए। तो इनके लिए जिस चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें हमने हाफ कप हमने ऑयल लिया है। इसमें हमने ये दो अदद जो आलू है ये इसे बारीक इस ऐसे स्लाइस में काट लिया है, और एक हमने प्याज लिया बड़ी, उसको भी हमने बारीक स्लाइस में काट लिया। ये इसमें हम फ्राई करेंगे। और अंडे हैं 3 अदद, काली मिर्च और हरा धनिया, और ये हमने हरी मिर्च लिया है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और नमक और चिली फ्लैक्स हमने हाफ हाफ टी स्पून लिया है, और हम टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। गैस ऑन कर लिया, पैन हमने ऊपर रख दिया है, और हम ये ऑयल डालते हैं इसमें। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। ये ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हमने प्याज डाल देनी है, और साथ में ये जो हमने आलू बारीक कटे हुए हैं ये हमने डाल देने हैं, और इसे हमने अच्छी तरह इसे फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसे दबा कर इसका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे, क्योंकि इतना ऑयल हमने यूज़ नहीं करना। जब तक उधर प्याज और आलू फ्राई होते हैं, इधर हम आमलेट में ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, और एक एक करके हम ये जो अंडे हैं ये एम बाउल में तोड़ लेंगे। ऐसे अंडों को हमने डाल दिया, और इसे हमने अच्छी तरह फेंट देना। ये हरी मिर्च हमने काट के रखी थी, ये हमने डाल दी है। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देना है, और नमक मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में मैं चख लूँगी। और ये हम बाद में डालेंगे चिली फ्लैक्स, और ये हाफ टी स्पून काली मिर्च है ये हमने डाल देनी है, और इसे हमने मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें डाल के हमने अंडे जो हैं अच्छे से फेंट लिए हैं, और अब इधर हमने तकरीबन मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई किया, और ये फ्राई हो गए हैं। जितने आपने अंडे लेने हैं उस हिसाब से आपने प्याज और आलू लेने हैं कि कितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से। अब ये जो हम एक्स्ट्रा तेल है ये इसे नहीं डालेंगे, और ये जो आलू हैं ये हम ज़रा इसे थोड़ा एक दो मिनट के लिए ठंडा करेंगे, और फिर ये हम इस आमलेट में डाल देंगे। अब ये जो आमलेट है तैयार किया, इसमें हमने ये सारे पटैटो और ये आलू और प्याज हमने डाल दिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे, और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये जो इसका पानी है ये जज्ब हो जाए इसमें अंडा को जो हमने फेंटा था। ये 15 मिनट हो गए, ये देखें ये जो है पेस्ट ये ज़रा गाढ़ी सी हो गई है। अब इसे हम आमलेट को फ्राई करते हैं। ये हमने गैस ऑन कर लिया है। अगर आपका पैन जो है वो नॉनस्टिक है तो फिर आप ऑयल वगैरह कुछ ना डालें, अगर नॉनस्टिक के बगैर है तो आप हाफ टी स्पून ऑयल डाल सकते हैं, ताकि जो अंडा है वो चिपके नहीं। और ये सारा बैटर जो हमने बनाया ये हमने इसमें डाल देना है, और एक मिनट के लिए हमने जो आँच है वो हाई रखनी है, और 2 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है एक साइड से। ये देखें ये हाई फ्लेम हमने रखी हुई है पैन के हिसाब से, ये हाई फ्लेम पे हमने 1 मिनट पकाया। अब हम इसकी स्लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल मीडियम से भी कम, और इसे 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये इसे 2 मिनट हो गया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकते हुए, और आपने किसी चम्मच या छुरी की मदद से आपने देख लेना है कि इसने ये किनारे जो हैं वो छोड़ दिए हैं, और ये नीचे से पक गया है और लेकिन ऊपर से भी कच्चा है। तो ये जो चिली फ्लैक्स हमने रखी थी ये आपने टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ी सी छिड़क दें जितनी आपको पसंद हो। अब आपने एक प्लेट लेनी है, प्लेट को ऐसे पैन के ऊपर आपने उल्टा रख देना है, और इसे हाथ से ऐसे पकड़ के, तो आपने इसे जल्दी से ऐसे कर देना है, और ध्यान रखना है कि आपके हाथ वगैरह ना जलें। तो इसे आपने ऐसे, ये देखें ये एक साइड से डन हो गया। अब इसे हमने वापस इसे पैन में डालना है,
तो आपने इसे ऐसे आराम से ऐसे पैन में आपने वापस डाल देना। ये देखें एक मिनट के लिए, एक चूल्हा को, ये एक मिनट के लिए हमने इसे तेज़ फ्लेम पे रखना है और फिर बाद में हम स्लो फ्लेम करेंगे। ये चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ये दोनों तरफ से हमने एक मिनट तेज़ गैस पर और दो दो मिनट के लिए हमने आहिस्ता आंच पे पकाया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब हम इसे पलटते हैं ऐसे जैसे हमने दूसरी की थी। ये देखें ये कितना अच्छे से रेडी हुआ है और ये बहुत टेस्टी बना। अब हम आपको काट के दिखाते हैं कि इसका अंदर से ये कैसा है। ये देखें ये इसका स्ट्रक्चर, ये कितना सॉफ्ट है और ये बहुत बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप सुबह ब्रेकफास्ट में खाएं, नाश्ते में, और प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बनाइए और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।